हे, पहली बार है इंडियन कैंप में? हाँ, पहली बार। ओ, और इतनी जल्दी वर्ल्ड कप कैंप? और तुम? पिछले साल ODI प्रोबेबल्स में सिलेक्ट हो गई थी। तुम नर्वस मत होना, कल नेट पे मिलते हैं, ठीक है? कौशल्या, गुड बॉलिंग। लाइन इन लेंथ एकदम परफेक्ट है। ए गांव खेड़ी, इधर आ। क्या है? हाँ, इज दिस योर गांव का कैंप और व्हाट? सीनियर्स का कैंप है बेटा, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, ओके? और ये सीनियर्स का नेट है, चल निकल इधर से, निकल, यू कांट बॉल हियर। हाँ, ठीक है। ए, क्या है रे तेरे को, समझ में नहीं आ रहा? हाँ, बोल रही हूँ, बॉल ही डालना है इधर। अरे मेरे, क्या हो रहा है? ए, सीनियर्स है, तुम्हें पता है ना, सीनियर्स ऐसे ही होते हैं, समझी ना तुम, उन्हें एडजस्ट करना होता है। तेरा प्रैक्टिस का पहला दिन है, ठीक है ना? अरे समझा देना इसको। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नेट प्रैक्टिस कर रही थी। बोल दे। अरे छोड़, खराब कर, जाने दे, वो ऐसे ही है। ये क्या है? यहाँ बस ऐसी ही सूखी रोटी मिलती है, इसी को खाना समझो और खा लो। इस पे तो नमक भी नहीं है। हाँ पता है। What's up, babes? अरे कुछ नहीं, देख तेरी स्पिन पार्टनर। हे, कहाँ जा रही है? गायत्री, कौशल्या, कम हियर। व्हाट काइंड ऑफ बोलिंग इज दिस? डू यू इवन नो हाउ टू डू स्पिन बॉलिंग? मैम, उसे इंग्लिश नहीं आती है, गांव से है ये। व्हाट, इंग्लिश नहीं आती तुम्हें? अरे कौशी, तेरी बॉलिंग को क्या हो गया यार? कौशल्या, तेरी बॉलिंग में वेरिएशन नहीं आ रहा है। ठीक है, उज्ज्वला, तू डाल। गुड बॉलिंग गायत्री, योर लाइन एंड लेंथ इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। गुड, कीप इट अप। पता है, थैंक यू। कौशी, क्या हो गया? खाना नहीं खाएगी? मुझे नहीं चाहिए, तुम खाओ। ना ठीक से खा रही है, ना सो रही है, क्या हो गया? थोड़ा सा लेफ्ट आओ। ओए, हाँ, मेरे करीब क्यों खड़ी है? लॉन्ग ऑन जा। इंडियन कैंप में ये नहीं आई है ना, घर की याद आ रही होगी। ठीक है, ओके कोच, तू जा। कौशल्या मंजुनाथ, व्हाट डस मंजुनाथ डू? मंजुनाथ क्या करते हैं? तो आपको अपनी बेटी की कामयाबी की परवाह है, बैंक की नहीं? क्यों मंजुनाथ, बैंक का कर्जा लौटाने की तो औकात है नहीं तुम्हारी, तो बेटी को कामयाब करके क्या करोगे? सर, कौशल्या एक टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलती है। तुम एक टैलेंटेड लड़की हो, तुम्हारे गांव के लोग जानते हैं कि तुम अच्छा खेलती हो, पर इस कैंप में सिर्फ काबिलियत से काम नहीं चलता। वो इंडिया टीम है, छोटे शहर की मिस कौशल्या मंजुनाथ इंडिया के लिए खेलेगी, पैसे कमाएगी और उन्हीं पैसों से वो बैंक का कर्जा चुकाएगी, यही कहना चाहते हो ना? पहले इस कैंप की आदत लगाओ और इस जगह को समझो, भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। और ये मत सोचो कि इतनी जल्दी तुम वर्ल्ड कप की टीम में खेल सकोगी, ठीक है? मंजुनाथ इधर आओ, कर्जा चुकाने का तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ। तुम्हारी बेटी क्रिकेट खेलने के बजाय बार में नाच के पैसा कमा सकती है। तेरी तो क्या जोश दिखा रहे हो हैं? मंजुनाथ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है भाई? दरअसल तुम्हें गुस्सा नहीं, शर्म आनी चाहिए। अभी सिलेक्शन के बारे में मत सोचो, ठीक है? क्या तुम जानते हो गुस्सा किसे आना चाहिए? उस आदमी को जो अपने पैसे की कमाई खाता है, ना कि कर्ज के पैसों से खाने वाले को। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो अब तक बैंक का सारा कर्जा चुका देता। अच्छा सुन, इसमें लॉरी का टैक्स भी है, तुम भर देना इसे। ठीक है, आओ भाई। खेत में चूहों ने मुसीबत और बढ़ा दी है भाई, कोई चूहे मारने की दवा है? जो दवा मेरे पास है उससे फसल भी मर जाती है और चूहे भी। बोल, लेकर आऊं? फसल सूख जाने की वजह से घनश्याम ने आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त मुझे लगा था कि बुजदिल लोग ऐसा करते हैं, मगर यार कितना दुखी होगा तब जाके उसने ऐसा कदम उठाया होगा।
मरने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए तो बता, अगर तू सोचता है कि आत्महत्या करने वाले साहसी होते हैं तो हिम्मत से जीने वाले कायर होते हैं क्या? कैसी बात कर रहा है? वो बात नहीं है, हम लोगों को अनाज देते हैं। उसे लगा होगा कि अब खुद की भूख मिटाने के लिए दूसरों के आगे हाथ क्यों फैलाएं, इसीलिए ऐसा किया होगा। मैं भी कितना बेवकूफ हूं। तुम बेवकूफ हो। जो लोग मरते ना वो बेवकूफ होते हैं। सबको खाना खिलाने से कुछ नहीं होता, अपने बीवी बच्चों का भी सोचना होता है। जो मरा तो वो तो निकल लिया, उसके बाद उसके बीवी बच्चों का क्या? अब तुम ही देख लो, इतनी मुश्किलों के बाद भी तुमने अपनी बेटी को अच्छा क्रिकेट खेलना सिखाया। इसे कहते हैं हिम्मत से जीना। देखो तुम्हारी बेटी एक अनजान शहर में है, वो कैसी है, उसका क्या हाल है, सोती कहाँ है, खाती क्या है, तुमने कभी सोचा कि उसके साथ क्या हो रहा है? बाबा आपने सभी गांव वालों के सामने कहा था कि आपकी बेटी इंडिया के लिए खेलेगी और जीतेगी, लेकिन जो लोग यहाँ हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझ में टैलेंट है या नहीं। इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं बाबा। मेरी इच्छा थी बाबा कि आप मुझे इंडिया के लिए खेलते जरूर देखें, पर पता नहीं मैं आपका ये सपना भी पूरा कर पाऊंगी या नहीं। कौशी तेरे पापा आए हैं। तो ठीक है ना बेटी? आप कैसे हैं बाबा? तेरे बाबा पहले जैसे नहीं रहे बेटी। पता है जब इंडिया खेलती थी तो उन्हें खुशी होती थी, अब तुम इंडिया के लिए खेल रही हो। फिर भी पता है गांव के केबल ऑपरेटर को इन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया, बोले के सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू नहीं दूंगा, उसके जीत पर इंटरव्यू नहीं दूंगा, जब वो कप जीत कर आएगी तब जाकर इंटरव्यू दूंगा। ऐसा ही कहा था ना तूने? कहा था कि नहीं? कहा था मामा जी। हाँ? सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ना तेरी सिलेक्शन हो जाएगी। जी बाबा मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे मामा जी? देखो इन कपड़ों में देखकर मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तो तुम्हारे पापा तो कौशी, कोच बुला रही है। क्या ये कोच तुमसे नाराज है? नाराज नहीं, मुझे बुला रही है। ठीक है जाओ बेटा। गर्ल्स आज हमारी कोच इस कैंप से रिटायर हो रही है। पिछले कई सालों से इनके योगदान से हमें बहुत सहायता मिली है, इस बात के लिए हम हमेशा इनके आभारी रहेंगे। देखो हमारी कोशी को जोरदार तालियां, आत्मविश्वास के साथ खड़ी है, कितना गर्व हो रहा है ना उस पे। हैं? क्या दोस्त, ऐसी बेटी के पैदा होने पे गर्व होना चाहिए तुझे, और तू कीटनाशक मांग रहा था वो भी मुझसे। करियर के आखिरी दिनों में मैं हारना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। आप अपनी जगह पर सही हैं, पर आपको इन्हें बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, या रहती हैं ताकि ये जीत सके। जीत सके? देखो जहाँ तक मुझे लगता है इस टीम की हालत तो हाँ वो देखो, वो रिपेयर के लिए रखा हुआ रोलर दिख रहा है, बस वैसी ही इस टीम की हालत भी है। पर आपका काम तो इसे रिपेयर करना है ना? मेरा काम है? मैं टीम की कोच हूँ, मैकेनिक वैकेनिक नहीं हूँ, समझ गई ना? पूछो इससे। नेल्सन है क्या? हाँ अंदर गाड़ी पे काम कर रहे हैं। बता दो हम BCCI से आए हैं। BCCI लोन के लिए क्या? रुको बोलता हूँ। भैया बैंक से कुछ लोग आए हैं आपको ढूंढ रहे हैं। बैंक से आए हैं? बोल दिया आ रहे हैं, आप यहीं रुके। नेल्सन
नेल्सन दिलीप कुमार, कुछ रिपेयर करवाना है क्या आपको? कौन हो भाई, गाड़ी को हाथ क्यों लगाया तुमने? ओहो, तुम वही मैकेनिक हो जो कल आने वाले थे। पूरी गाड़ी अच्छे से चेक कर लो और जल्दी से बना दो, और पैसे कर लेना, समझ गए ना तुम? प्लेयर्स कितने बजे आएंगे? 7 ही बजे ना, सो रहे होंगे अभी, आ जाएंगे। तुम चुपचाप अपना काम करो ना, कब आएंगे खाली बिरी पूछ रहा है। सॉरी लेट हो गई। नेल्सन दिलीप कुमार। पता है सर। गर्ल्स जल्दी यहाँ आओ, जल्दी आ जाओ ना। ये है नेल्सन दिलीप कुमार, हमारे नए कोच। अपना इंट्रोडक्शन रहने दो। वैसे भी इन सब के नाम याद रखना मुश्किल है, और सब ये बात जान ले, मुझे तो सिर्फ परफॉर्म करने वाले ही याद रहते हैं। आज कितने घंटे लेट हो? 2 घंटे सर। 2 घंटे। वीरेंद्र सिंह। हाँ जी सर। गाड़ी तैयार है, अब पिच तैयार करो। ओके चलो, आज का सेशन यहीं खत्म। मैं तुम सबसे शाम को मिलता हूँ टीम मीटिंग के लिए। क्या क्या? हाँ बाबा। Are you sure? हाँ बाबा, मैकेनिक है। अच्छा सर, स्पेशल कंसिडरेशन लिस्ट। जहाँ तक एक टीम का सवाल आता है, आप सभी अपने आप में अच्छे प्लेयर्स हैं, पर एक टीम की हैसियत से हम नॉकआउट स्टेज तक कभी क्वालिफाई भी नहीं हो पाते, और क्वालिफाई करने के लिए 3 बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। ए बी एंड सी। एक्सेलरेटर ब्रेक क्लच। ए फॉर अटल, हमें अटल होना है कि हम हारेंगे नहीं। बी फॉर भरोसा, हमें खुद से ज्यादा अपनी टीम पर भरोसा होना चाहिए। एंड सी। ए मैकेनिक, रुको। गर्ल्स, हमें इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक मैकेनिक है और हम इंटरनेशनल खिलाड़ी। ये भी एक इंटरनेशनल प्लेयर थे। खेला तो सिर्फ एक ही मैच है ना, और हमने लगभग 70 या 80 मैच खेले। बोर्ड ने इन्हें भेजा है, हमें इनकी बातें माननी होंगी। एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हें मानना है तो मान लो, मुझे मानने की कोई जरूरत नहीं है। इसे पता भी है कि हम कैसे खेलते हैं? पता चल जाएगा। क्या? कल पता चलेगा कि आप सब खेलते कैसे हैं। जो मुझे मामूली मैकेनिक समझते हैं उनकी अलग टीम होगी, और जो मुझे अपना कोच समझते हैं उनकी अलग टीम। तुम्हारी टीम जीती तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, लेकिन बदकिस्मती से अगर मेरी टीम जीती। ए मैकेनिक। बोलिए इंटरनेशनल प्लेयर। पहले जीत फिर भाषण।